वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम आ गए हैं एक ताजा न्यू ब्रेकिंग न्यूज खबर के साथ। तो मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। आज की वीडियो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो है सबके लिए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इसरो वंस अगेन मेड एवरी इंडियन प्राउड ऑफ ASA कम फॉर इंडियन साइंटिस्ट कॉपरेशन। मतलब इसरो ने फिर से पूरे इंडिया का सर फखर से बुलंद कर दिया है। तो जैसा कि आपको पता है भाई, इसरो के अचीवमेंट्स का आपको पता है। हाल में इंडियन साइंटिस्ट का कोई कंपनी शायद कॉपरेशन करना चाहती है। तो अब हम वीडियो देखेंगे, हमें तब सही से मालूम होगा, सही आइडिया होगा, क्योंकि अभी तो टाइटल से नहीं पता लग रहा। तो इंडी प्लस न्यूज का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों एक कहावत बहुत मशहूर है, वो क्या सफल होगा जो निर्भर है गैरों पर, मंजिल उनको मिलती है जो चलता है अपने पैरों पर। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है इसरो से, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो से। दोस्तों इसरो ने हर भारतीय का सीना एक बार फिर से गर्व से चौड़ा करवा दिया है। और भारतीय साइंटिस्ट किस हद तक आज एक कैपेबल हैं, काबिल हैं, पूरी दुनिया की नजरों में आज आपको इस खबर से पता लग जाएगा। दोस्तों क्या आप जान सकते हैं कि क्या आज भारत के इसरो का जो नंबर है वर्ल्ड की स्पेस एजेंसियों में कौन सा है? आज भारत का नंबर दूसरा है और ये नंबर भारत का पहला होता अगर भारत की सरकारें इसरो को जो फंड है तय समय में मौजूदा समय में। लेकिन इसरो ने अपने साइंटिस्टों ने कम पैसे के अंदर वो मुकाम हासिल कर रखे हैं जो मुकाम आज बड़े बड़े डेवलप्ड देशों को भी हासिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के पास आज उसकी खुद की स्पेस एजेंसी भी नहीं है। और 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्पेस एजेंसी खोली है और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर ये काम कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से उसने स्पेस के क्षेत्र में एक कामयाबी हासिल करनी है। लेकिन नासा के हाथों वो एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में काम कर रहे हैं और इसी के चलते दोनों देश आपस में स्पेस के क्षेत्र में साथ आने के लिए कोशिशें कर रही हैं। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इतना निकम्मा देश है, आप हमें ये कह लेने दीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी डिफेंस के सेक्टर में भी अभी इतना बजट नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को यह लगता है कि उसका अड़ोसी पड़ोसी में कोई खतरा नहीं है, तो आखिरकार वो स्पेस के सेक्टर में तैयारियां क्यों करे, इसी के चलते अपने डिफेंस के क्षेत्र में पैसा खर्च क्यों करे। यही कारण है कि वो डिफेंस के क्षेत्र हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का स्पेस सेक्टर हो, वो उसमें पिछड़ गया है। लेकिन नासा से मदद ले रहा है तो नासा में स्पेस के क्षेत्र में उसे मदद इतनी नहीं मिल रही है जितनी मदद उसे चाहिए है अपने स्पेस के सेक्टर को खड़ा करने के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक बात अच्छी तरीके से जान ली है कि नासा के अंदर जो उसने अभी बातचीत की है, 2018 में ही उनकी स्पेस एजेंसी शुरू हुई है और उसके बाद नासा के अंदर जो भारतीय साइंटिस्ट काम करते हैं उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय साइंटिस्टों का भी लोहा मान लिया है। और यही कारण है कि नासा के बाद अब वो इसरो के साथ मिलकर अपनी स्पेस एजेंसी को खड़ा करना चाहता है। नासा को छोड़ के इधर आ रहे हैं। इसरो के चीफ के सिवान के साथ वर्चुअल रूप से मीटिंग की है और इस वर्चुअल रूप की मीटिंग में वो स्पेस के सेक्टर में हर तरीके की ज्वाइंट ऑपरेशन और इसी के साथ कोऑपरेशन से मिलकर एक नया स्पेस खड़ा करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। दोस्तों ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि इसके चलते ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाएं मिलकर काम कर सकती हैं, चीन के ऊपर एक जोरदार हमला कर सकती है, और वैसे भी चीन दोनों का दुश्मन है, में काउंटर कर सकती है। और नासा के साथ भी ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी काम कर रही है और भारत के इसरो के साथ भी मिलकर काम कर रही है। यहाँ पर आप समझिए कि भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। यही कारण है कि भारत के जो साइंटिस्ट आज नासा में काम करते हैं वहां पे भी भारतीय हैं और इसरो के अंदर जो साइंटिस्ट करते हैं काम वो भी भारतीय हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भारतीय एक काम करते हैं वो भी आपको पता ही होगा। और इन सभी तीनों चीजों का इंडियंस हर जगह काम करते हैं ही सिमट कर बैठ जाता है। यही कारण है कि हम भारतीय पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे और कोने कोने में हर भारतीय आज अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत के इसरो से मदद मांगी है कि कल को अगर हम कोई स्पेस का प्रोजेक्ट चलाते हैं तो उसमें इसरो की हमें मदद चाहिए होगी। उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी कोई इतने बड़े प्रोजेक्ट किए नहीं है। लेकिन भारत और इंडिया का एक्सपीरियंस है, इसरो सेकंड नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्पेस का सेक्टर खड़ा करना है तो वो नासा के बाद
इसरो के पास आया है दूसरे नंबर पर, ना तो वो यूरोपियन यूनियन के देशों के पास गया है और ना ही किसी और दुनिया के देशों के पास गया है। नासा के बाद वो दूसरे नंबर पर इसरो के पास आया है। इसरो के नक्शे कदम पर चलकर अपने देश में 20,000 लोगों की ऐसी टीम खड़े करना चाहता है जो स्पेस के सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया का डंका बजा सके। कहना गलत नहीं होगा कि आज भारतीय इसरो हो या फिर नासा हो, हर क्षेत्र में, हर एजेंसी में आज भारत के साइंटिस्टों ने जो नाम कमाया है, उसी कारण से ऑस्ट्रेलिया ने आज भारत के इसरो की ओर मदद का एक हाथ बढ़ाया है। इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म, और इतने वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार ये क्या था यार, मतलब सीरियसली कमाल हो गया, कमाल जिसको कहते हैं। और सबसे मुझे जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो जो है दूसरे नंबर पे आ गई है, सीरियसली सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये कि देखो नासा के साथ ऑस्ट्रेलिया वाले ने कहा कि स्पेस एजेंसी वालों ने मदद पहले ली है, लेकिन अभी नासा को ये बात सॉरी ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी को ये बात पता चल गई है। स्पेस एजेंसी को देखो, नासा में 35-38% इंडियंस काम करते हैं, और फिर उन्होंने कहा अगर इतने ज्यादा इधर काम कर रहे हैं उनसे भी मतलब मैं डायरेक्ट इंडिया को क्यों, इसरो से क्यों मतलब करीब भी पड़ेगा। दूसरी बात भाई, एक सीधी बात है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का दोनों का दुश्मन कौन है? चाइना। बिल्कुल चाइना के लिए अगर ये मतलब दोनों साथ जुड़ जाते हैं तो काफी, और इसरो मतलब नासा उस लेवल का हेल्प नहीं कर रहा था। बिल्कुल। और इंडिया का क्या है, वो अपनी पूरी दुनिया को फैमिली मानता है। इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है। बिल्कुल। तब इंडिया ने इसकी मतलब, इनको भी पता है कि इंडिया हर किसी की हेल्प, किसी का अपना दरवाजा बंद बंद नहीं करता, यानी उनको ब्लैकमेल नहीं करता, किसी भी मुल्क को इंडिया ब्लैकमेल नहीं करता। वो उसके पास जो भी जाता है हर टाइम वो हाथ खुले करके और नमस्ते करके उनका इस्तकबाल करता, उनकी मदद करता। और मुझे शौक इस चीज पे लगा, आज इसरो सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे है रशिया की, और उसको भी छोड़ दे चाइना वाली को। और जिस तरह की, जिस स्पीड से जा रहा है, जिस तरह के न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इसरो के, और जिस तरह की मतलब अब खुद से ये फंडिंग अपनी पैदा कर रहा है, मतलब जिस तरह पहले तो हुकूमत देती थी ना, हुकूमत ने भी नहीं दिया इसरो को। अच्छा। आपको ओरिजिनल नहीं पता? अच्छा। इसरो को अगर हुकूमत से मिलता तो ये इसकी अचीवमेंट ऐसी होती कि फर्स्ट नंबर पे होता। नहीं शुरू में स्टार्टिंग नहीं दिया किसी ने ना। स्टूटिंग ये अपनी मैं कहता हूँ सेकंड लेकर इसरो अपना बजट खुद पैदा कर, खुद पैदा कर कर, और कुछ बहुत कम कोई ऐसा प्रोजेक्ट बहुत कम इनको हुकूमत की तरफ से मिलता है। इसरो अपनी खुद कमाई करता है और खुद अपने दम पे इतना ऊपर गया हुआ है। इसरो इतने दिमाग वाले साइंटिस्ट है, इसरो बहुत ज्यादा दिमाग वाले साइंटिस्ट है। और तुम खुद इस बात से अंदाज लगा लो, जो जो काम पूरी दुनिया नहीं कर सकी वो इसरो ने कारनामा उसका सर अंजाम दिया। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये कि जिस तरह तरक्की कर रहा है इसरो, मैं दावे से और गारंटी से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में ये जिस तरह से ये तरक्की कर रहा है, जिस तरह स्पीड इसने पकड़ी हुई है, रफ्तार पकड़ी है, ये नासा को भी काट देगा। बिल्कुल भाई। और एक बात करूं, नासा जैसा बजट अभी इसरो के पास आ जाए ना, मैं कहता हूँ कोई औकात नहीं रहेगी नासा। 2-3 सालों में नासा, चाइना का बजट देखो, रशिया का देखो, बिल्कुल नासा का देखो, मतलब हैरान आप रह जाओगे। बिल्कुल। और इंडिया का कोई बजट नहीं है, मतलब एक उनकी मूवी से सस्ते में मार्स कमीशन और पेरी ड्राइव में। तो यार मतलब तब भी मदद मांगनी पड़ी ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से, और इंडिया हेल्प भी करेगा। बिल्कुल करेगा। सो गाइस, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।